मैंने बनाया जीरा आलू, जिसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, पर मैंने थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी ट्राई की है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और यूनिक था, तो चलो बनाते हैं। हेलो, मैं हूँ रेखा, वेलकम टू योर फूड बुक। चलो तो देर किस बात की, हम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे पैन, उसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम डालेंगे जीरा, जीरे की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी, मैंने 2 चम्मच जीरा डाला है। उसके साथ हम कट की हुई मिर्ची डालेंगे और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इनको अच्छे से पकने देंगे। अब हम डालेंगे हल्दी, मैंने 1/2 चम्मच हल्दी यूज़ की है, और मैंने पहले ही आलू बॉईल करके रखे थे, उनको मैंने अच्छे से कट कर लिया है और वो भी हम इसमें अभी डालेंगे। आलू हम बड़ी साइज़ में कट करेंगे ताकि वो दिखने को और खाने में दोनों में अच्छे लगे। तो अब हम डालेंगे आलू, इनको हल्का सा ब्राउन होने तक अच्छे से लो फ्लेम पे पकाना है। आलू को 5 मिनट हम अच्छे से पकने देंगे हल्का सा ब्राउन होने तक, ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और वो फ्लेवर भी अच्छा आ जाए। अब हमारे आलू पक गए, अब हम डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं डालूंगी लाल मिर्च, उसके बाद हम डालेंगे धनिया, गरम मसाला, उसी के साथ हम डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे ब्लैक पेपर, चाट मसाला, कसूरी मेथी और नमक। कसूरी मेथी और जीरा इस मसाला आलू में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जीरा हमें एक्स्ट्रा डालना है, और आपको अपने अकॉर्डिंग जितना आपको चटपटा चाहिए आप नींबू डाल सकते हो, आप चाट मसाला थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हो, इससे चटपटे आलू बहुत टेस्टी लगते हैं। ये रेसिपी ट्राई करना, बच्चों को बहुत पसंद आएगी, और स्पेशली जो आलू लवर्स हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि यही हम खा के बड़े होते हैं ये रेसिपी। तो ट्राई करना ये रेसिपी, अलग से चटपटे जीरा आलू, और मुझे रिव्यू ज़रूर बताना इसका। 5 मिनट पहले हमने पकाए थे और अभी और 5 मिनट या 2 मिनट में भी पक जाएंगे, उसके बाद हम गैस ऑफ करेंगे और ये हमारी रेसिपी रेडी है। इसके बाद आप ऊपर से धनिया डाल सकते हो। सिर्फ 10 मिनट में ये हमारी रेसिपी रेडी हो गई, तो सोचो कितनी ईजी और कितनी फास्ट वाली रेसिपी है। बहुत मम्मास तो टिफ़िन में ये रेसिपी ट्राई करते बनाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है। तो आप भी जाओ किचन में, जल्दी से ट्राई करो और मुझे रिव्यू ज़रूर देना। और मेरे ऐसे ही चैनल पर नेक्स्ट रेसिपीज़ आती रहेगी, तो जल्दी से मेरे बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दो, ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक आ सके, और मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।